जी आज हम बनाएंगे क्रिस्पी फ्राइड फिश लाहौरी स्टाइल में। चलें ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे बेसन, बेसन हम लेंगे 4 टेबल स्पून बेसन लिया हमने। ये बेसन ले लिया और बेसन के बाद हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर है 2 टेबल स्पून, हमने इसमें कॉर्नफ्लोर डाल लिया। और अब मैं कॉर्नफ्लोर के बाद ऐड करूँगा नमक। नमक वैसे तो मैंने तकरीबन 1.5 टेबल स्पून डाला है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, ठीक है। और नमक के बाद आ गया जी रेड चिल्ली क्रश, ये तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने लिए हैं रेड चिल्ली क्रश के। और जी रेड चिल्ली क्रश के बाद आ गया जी चिकन पाउडर है 1 टेबल स्पून, उसके बाद आ गई वाइट पेपर ये भी 1 टेबल स्पून। और अब हम इसमें ऐड करूँगा ब्लैक पेपर, ये भी तकरीबन 1 टेबल स्पून। उसके बाद हल्दी है तकरीबन 1/2 टेबल स्पून हमने हल्दी ली है। और थोड़ा सा जर्दा कलर मैं इसमें ऐड करूँगा, इससे कलर बहुत खूबसूरत आएगा फिश का। और उसके बाद रेड चिली सॉस ली है, चिली सॉस जो है तकरीबन 100 ml। और अब मैं इसमें ऐड करूँगा लेमन जूस तकरीबन 50 से 60 ml लेमन जूस हमने इसमें ऐड कर दिया है, ठीक है। और ये है जी चिली पेस्ट, ये होममेड चिली पेस्ट है, इसको सिचुआन सॉस भी बोलते हैं। ये तकरीबन ऐड करूँगा मैं 2 टेबल स्पून बता दूँ। और अब मैं इसको प्रॉपर अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा। ये देखें जी मिक्स होने के बाद बड़ी ज़बरदस्त पेस्ट बन गई है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगा फिश बोनलेस, ये तकरीबन मैंने 2 किलो फिश ली थी, 2 किलो की रेसिपी मैं तैयार कर रहा हूँ। जी फिश ऐड करने के बाद अब इसको मैं अच्छे तरीके से हाथ के साथ ही इसको मैं मैरिनेट कर लूँगा, इसकी मसाज करूँगा। ये देखें मैरिनेट करने के बाद तकरीबन कुछ 30 मिनट की आप रखें, अगर आप रखना चाहें तो, वरना आप चेक भी कर सकते हैं। और अब हम इसको करेंगे फ्राई। हाफ फ्राई हो गई है, हाफ फ्राई के बाद इसको मैं निकालूंगा और तकरीबन 1 से 2 मिनट इसको साइड पर रख देंगे ताकि इसके अंदर का जो पानी है वो सारा निकल जाए। जी अब इसको मैं दोबारा फ्राई करने में डालूँगा। और अभी दोबारा इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट सिर्फ और फ्राई करूँगा और इसको हम निकाल देंगे। फाइनल है। फिश हमारी बिल्कुल रेडी है, आप इसको किसी भी अपनी फेवरेट सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं।